तो हाय एवरीवन, मैं हूं आप लोगों का होस्ट एंड दोस्त पुनीत सबनानी, और इस वीडियो में बात करने वाला हूं 2 से 5 हज़ार की रेंज के अंदर आप कौन कौन से ट्राईपॉड खरीद सकते हो अगर आप एक नया ट्राईपॉड लेने की प्लान कर रहे हो। ये वीडियो बनाने से पहले मैंने काफ़ी सारी रिसर्च करी, मार्केट में बहुत सारे ट्राईपॉड्स ऑब्वियसली अवेलेबल हैं, बट मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ, इन सारे ट्राईपॉड्स के बारे में मैंने इंटरनेट पे पढ़ा है। कुछ एक दो ट्राईपॉड मैं खुद भी यूज़ कर चुका हूँ और कुछ और मैं ऑलरेडी प्लान कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद ने ऑलरेडी ट्राईपॉड के लिए कुछ रिसर्च करी हुई थी। तो इस वीडियो में मैं बेसिकली आपको एक राय देने वाला हूँ कि आप कौन सा ट्राईपॉड इस प्राइस रेंज के अंदर खरीद सकते हो 2 से 5 हज़ार के प्राइस रेंज के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप एक नया ट्राईपॉड लेने की प्लान कर रहे हो तो आपको ये ज़रूर वीडियो पसंद आएगा, तो ज़रूर पूरा ये वीडियो देखिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ साथ में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम फेसबुक पे। चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, ये जो ट्राईपॉड है 2 से 5 हज़ार की रेंज वाले ट्राईपॉड जो होते हैं, दैट इज़ ओके क्वालिटी होती है इनकी, फैक्ट है। मतलब ज़्यादा अच्छे भी नहीं होते, ज़्यादा बुरे भी नहीं होते। ये जो वीडियो में मैंने रिसर्च करी है इन ट्राईपॉड्स की, ये अभी इस प्राइस रेंज के अंदर सबसे बेस्ट ट्राईपॉड्स अवेलेबल है मार्केट में। आप ट्राई आउट कर लीजिएगा, आपको मिलेंगे जो महंगे ट्राईपॉड मिलेंगे, और इस प्राइस रेंज के अंदर डिसेंट ट्राईपॉड्स मैं आप लोगों को बोलूँगा। जंप करते हैं सबसे पहले ट्राईपॉड की तरफ। तो सबसे पहला ट्राईपॉड है, ये बिगिनर्स के लिए मैं बोलूँगा, और ये ट्राईपॉड लास्ट एक ईयर से मैं खुद भी यूज़ कर रहा हूँ। इस ट्राईपॉड का नाम है सोनी VCTR 640। आप देख सकते हैं ये ट्राईपॉड। मैंने ये ट्राईपॉड क्यों लिया था, एक तो ये ऑब्वियसली इसकी कॉस्ट बहुत कम थी, इट कॉस्ट मी अराउंड 3,000 रुपीज़, और सेकेंड जो है इसकी क्वालिटी अच्छी थी बहुत, और थर्ड ये लाइट वेट था। तो बिकॉज ऑफ मैं ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा करता हूँ, उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे एक लाइट वेट ट्राईपॉड चाहिए था। ये एक एल्यूमिनियम का बना हुआ ट्राईपॉड है, स्टैंडर्ड हाइट है इसकी। तो ओवरऑल लास्ट एक साल से मैं यूज़ कर रहा हूँ, अभी तक कुछ हार्म नहीं हुए इस ट्राईपॉड की, और मैं आप लोगों को बता देता हूँ, बाय द वे मैंने इसके वीडियो के लिए भी यूज़ किया है। इसमें मैं वीडियो कैमरा मेरा लगा चुका हूँ। वैसे तो इसका जो कंपनी ने जो वेट कैपेसिटी बोली हुई है, वो वेट कैपेसिटी अराउंड 3 kg के बीच में है, पर मैंने इसके ऊपर FS5 Mark II भी कनेक्ट किया था, जो कि बहुत ही हैवी कैमरा है, अराउंड 3 kg से ऊपर का उसका वेट चले जाता है, बट उसका वेट इसने हैंडल कर लिया था। बट इतना स्टेबल नहीं था, हम लोग मतलब बाहरी कैमरा कनेक्ट तो कर लेंगे बट इतनी स्टेबिलिटी आपको नहीं मिलेगी। बट ओवरऑल फॉर ट्रैवल प्रोस्पेक्टिव ये एक बहुत अच्छा ट्राईपॉड है, अंडर 3,000 की रेंज में आपको ये मार्केट में अवेलेबल होगा। लिंक बाय द वे मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में ऐड किए हुए हैं, तो अगर आप चाहें तो वहाँ से भी खरीद सकते हैं। सेकेंड ट्राईपॉड की अगर मैं बात करूँ तो ये है ओसाका का VCT 880 ट्राईपॉड। तो बेसिकली ओसाका, अगर आपको याद हो तो ये फिल्टर्स बनाया करती थी कंपनी, राइट, जो कैमरा के फिल्टर्स आया करते थे, तो इनके ट्राईपॉड्स भी आना स्टार्ट हो गए हैं। और मतलब ये फॉर अ वीडियो एंड फोटो प्रोस्पेक्टिव मुझे अच्छा ट्राईपॉड लगा, और जो अभी इसकी प्राइस चल रही है अमेजोन पे, वो 3,100 रुपीज़ चल रही है। वैसे ये 6,000 का ट्राईपॉड है, और सबसे बड़ी बात है कि इसका जो हेड है, आप अगर इसका हेड देखें तो इस पर आपको ये फ्लूइड टाइप का हेड मिलता है, और ये वीडियो के लिए और फोटो के लिए दोनों के लिए एक अच्छा ट्राईपॉड रहेगा इस प्राइस प्रोस्पेक्टिव के अंदर। एल्यूमिनियम का बना हुआ है पूरा का पूरा ट्राईपॉड, और इसकी जो वेट कैपेसिटी वो अराउंड 4 किलो के बीच में, और जो इसकी हाइट आप देख रहे हैं, राइट, 6.1 मीटर के अप्रॉक्स पूरी ओपन हो जाती है। तो अच्छा ट्राईपॉड है, अगर आप एक यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट कर रहे हैं और अगर आप डिसेंट ट्राईपॉड लेना चाहते हैं, तो मैं ऑब्वियसली ये ट्राईपॉड रेकमेंड करूंगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, चेकआउट कर सकते हैं। थर्ड जो ट्राईपॉड है, और ये मैं प्लान कर रहा हूँ खरीदने की, अनफॉर्चुनेटली ये स्टॉक आउट है अभी अमेज़ॉन पे, और मार्केट में भी अभी राइट नाउ अवेलेबल नहीं है। इस ट्राईपॉड का नाम है डिजिटेक प्रोफेशनल DV ट्राईपॉड, और इसका मॉडल है DTR 500BH, और बहुत ही अच्छा ट्राईपॉड है ये। मेरा एक फ्रेंड यूज़ कर रहा है, मैं आपको बताऊँगा, मैंने मेरे फ्रेंड का वो टेस्ट किया था ट्राईपॉड। बहुत ही सॉलिड ट्राईपॉड है, बहुत ही स्टेबल ट्राईपॉड है, और इसमें बॉल हेड मिलता है आपको, फ्लूइड हेड नहीं मिलता। तो ऑब्वियसली फॉर फोटोग्राफी प्रोस्पेक्टिव ये एक बहुत ही अच्छा ट्राईपॉड है, पर अगर वीडियो की मैं बात करूँ तो बॉल हेड में आप अच्छे वीडियोस नहीं शूट कर सकते, ये फैक्ट है। तो फॉर वीडियो के लिए आई डोंट नो ये कितना सूटेबल रहेगा, ये मैं टेस्ट करूंगा, जब वीडियो बनाऊंगा तो मैं आप लोगों को जरूर दिखाऊंगा वीडियो। बट ओवरऑल इट्स अ वेरी डिसेंट ट्राईपॉड। इसके जो फीचर्स हैं, एक तो ये बहुत ही लाइट वेट है, सबसे पहली चीज़ पूरा फोल्ड हो जाता है जैसे आपको ये दिख रहा है। सो ट्रैवल प्रोस्पेक्टिव से भी ये बहुत ही अच्छा ट्राईपॉड है। एक जो मेरा फेवरेट फीचर है इसका, दैट इज़ के इसका जो सेंटर कॉलम है वो निकल करके 190 डिग्री के एंगल पर आ रहा है, तो अगर मुझे ओवर दी टॉप वाले शॉट लेने हो तो वो भी इससे पॉसिबल है। थोड़ा सा मैं नीचे करके दिखाता हूँ आपको। इसमें बॉल हेड मिलेगा आपको, क्विक रिलीजिंग प्लेट मिलेगी, साथ साथ में इसमें यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट भी मिलता है, राइट, लेग्स का, तो अगर आप इसको डाउन एंगल पे लेके शूट करना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है। और इसके साथ साथ में जो इसका सेंटर वाला पार्ट है वो निकल जाता है, और आप इसे मोनोपॉट में
कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये ट्राईपॉड बहुत ही मेरा फेवरेट ट्राईपॉड है। इसकी जो कॉस्ट चल रही थी मार्केट में पहले, वो अराउंड 3,500 रुपये के बीच में चल रही थी। 3,500 रुपये के रेंज में ये सबसे बेस्ट ट्राईपॉड मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा, और मैं खुद भी ये ट्राईपॉड अभी खरीदने वाला हूँ। और अगर आपको इमरजेंसी है और ट्राईपॉड आप अभी खरीदना चाहते हैं बिकॉज ऑफ स्टॉक्स, बिकॉज ऑफ ये कोविड की वजह से यूट्यूब का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल गया, तो ट्राईपॉड वाईपॉड अभी कम अवेलेबल है, चाइना से भी थोड़ा कम स्टॉक आ रहा है, तो मैं फिर अगर आप ट्राईपॉड खरीदना चाहते हैं, थोड़ा आपका बजट ज़्यादा है, 5,200 रुपये तक का बजट है, तो आप ये सिम्पेक्स का ट्राईपॉड ले सकते हैं, सिम्पेक्स ट्राईपॉड 540 TM। तो ये जो ट्राईपॉड है, ये डिट्टो जो कॉपी मैंने आप लोगों को अभी दिखाया डिस्टेक वाला, उसकी डिट्टो कॉपी है। जैसे मैंने बताया था सिमिलर, आप देख सकते हैं लुक वुक बिल्कुल सेम है। साथ में जो इसका सेंटर कॉलम है, जैसे मैंने दिखाया इसका सेंटर कॉलम जो है इस तरीके से निकल जाता है, और आप उससे ओवर द टॉप वाले शॉट वाले वीडियोस भी शूट कर सकते हो। लेग्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा एडजस्टेबल हैं, तो आप जो बॉटम वाले शॉट्स हैं वो भी ले पाएंगे, और साथ में ये मोनोपॉड भी बन जाता है, पूरा का पूरा फोल्डेबल भी लाइक दिस, ऐसे ये मोनोपॉड बन जाएगा। तो ये डिट्टो कॉपी है, बट ये थोड़ा सा महंगा है। इसकी जो कॉस्ट आ रही है 5,200 आ रही है, और जो डिस्टेक वाली की कॉस्ट है वो 3,500 रुपये की कॉस्ट है। तो अगर आप इस टाइप का ये ट्राईपॉड लेना चाहेंगे, सेम ये एल्यूमिनियम वाला ट्राईपॉड है, और मैं ये दोनों ट्राईपॉड के बीच में से देख रहा हूँ कि कौन सा ट्राईपॉड लूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ अगर डिस्टेक अवेलेबल होगा तो डिस्टेक लूँगा, वरना फिर अगर मुझे लेना ही है ट्राईपॉड इस मंथ के अंदर, तो मैं फिर ये सिम्पेक्स वाले ट्राईपॉड की तरफ चले जाऊँगा। लास्ट जो ट्राईपॉड है वो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, दैट इज़ ये कोडाक। अगर आपका थोड़ा सा प्राइस, मतलब 1,000 रुपये एक्स्ट्रा और प्राइस आप ऐड कर सकते हैं, तो इन दैट सिचुएशन मैं ये कोडाक का T540 Pro ट्राईपॉड आप लोगों को सजेस्ट करूँगा। वाई? बिकॉज ये फोटो और वीडियो दोनों के लिए बहुत ही अच्छा ट्राईपॉड है। फुल एल्यूमिनियम का बना हुआ है, एल्यूमिनियम और प्लास्टिक के जॉइंट्स आपको इस पर दिखेंगे। सबसे अच्छी जो चीज़ है दैट इज़ ये फ्लूइड हेड। तो इसके ऊपर एक मेटल का फ्लूइड हेड मिलेगा आपको, जो पहले मैंने आप लोगों को ये ओसाका वाला दिखाया था, इसमें पूरा प्लास्टिक वाला हेड है, बट यहाँ पे आपको जो है मेटल का हेड मिलता है, इसलिए इसकी जो प्राइसिंग है थोड़ी सी ज़्यादा है। बट फॉर अ वीडियो और फोटो प्रोस्पेक्टिव से मैं 110% ये जो ट्राईपॉड है आप लोगों को रेकमेंड करूँगा, आप इसे ज़रूर देखिएगा। ये बहुत ही अच्छा ट्राईपॉड है वीडियो और फोटो के प्रोस्पेक्टिव से। इवन आप इसका हेड भी रिमूव कर सकते हैं, और आप जो भी हेड अपने हिसाब से लगाना चाहें वो हेड इस पर अटैच हो जाएगा, अगर आप कोई और एक्स्ट्रा हेड कैरी करते हो, लाइक बॉल हेड कैरी करते हो या और कोई हेड कैरी करते हो। तो ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड ट्राईपॉड। थोड़ा सा ये वेटी है, और इसकी जो वेट है मैं आपको स्पेसिफिकेशन में दिखा देता हूँ एक बार नीचे। तो ये 6 kg तक का पेलोड ले सकता है, आई गेस उससे ज़्यादा ही पेलोड ये ले लेगा अगर आप इस पर कैमराज को कनेक्ट करेंगे, वीडियो कैमराज को कनेक्ट करेंगे। इटसेल्फ जो प्रोडक्ट का वेट है वो 2.81 kg है, तो ये थोड़ा हैवी ट्राईपॉड है। ऑब्वियसली इट्स नॉट रिकमेंडेड फॉर मच, अगर आप एक ट्रैवलिंग प्रोस्पेक्टिव से ट्रैवल देख रहे हो, ट्राईपॉड देख रहे हो, तो ये थोड़ा सा हैवी ट्राईपॉड रहेगा। और ऑब्वियसली एक बेस्ट सेलर रैंक का ट्राईपॉड भी है, क्योंकि काफ़ी अच्छा सेल हो रहा है, इसका प्रोडक्ट जो है वो बहुत अच्छा है, तो आप इसे ऑब्वियसली खरीद सकते हो। अच्छा ट्राईपॉड है फॉर वीडियो फोटो दोनों के प्रोस्पेक्टिव से। सो दैट्स इट अबाउट टॉप 5 ट्राईपॉड मैंने आप लोगों को बता दिए इस प्राइस रेंज के प्रोस्पेक्टिव से। आप ज़रूर इन ट्राईपॉड में देखिएगा। देखिए मैंने ये पूरी इन्वेस्टिगेशन की है, और ये ट्राईपॉड जो है मैंने इनके काफ़ी सारे रिव्यूज़ भी देखे, काफ़ी सारे ट्राईपॉड के बाय द वे मैंने रिव्यूज़ देखे, क्योंकि मैं खुद भी प्लान कर रहा हूँ कुछ नया ट्राईपॉड लेने का, तो मैं खुद भी रिसर्च ऑलरेडी कर रहा था ट्राईपॉड पे। मुझे ये सबसे बेस्ट ट्राईपॉड लगे इस प्राइस रेंज के अंदर, तो आप ज़रूर इन पे एक बार नज़र डालिएगा, और मैं 110% ट्राईपॉड ही रेकमेंड करूँगा, 5 में से कोई भी ट्राईपॉड ले सकते हैं। सो दैट्स इट अबाउट दिस वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे, साथ साथ में जो आपको बटन दिख रहा होगा लाल वाला राइट, उसको दबा दीजिएगा आंख बंद करके। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे।